हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉमी शो। आज हम बनाएंगे बच्चों की स्कूल स्टेशनरी के लिए वाटरप्रूफ लेबल्स, और ये लेबल्स हम घर पर ही जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से बनाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो इसके लिए मैंने लिया है ये एक पेपर, किसी पैकेजिंग का वेस्ट पेपर मेरे पास ये पड़ा हुआ था, या फिर अगर आपके पास स्टिकर बुक है तो स्टिकर्स यूज़ होने के बाद जो पेपर बचता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरह के वाइट स्टिकर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है तो प्लेन वाइट पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ आपको लगेगा ट्रांसपेरेंट टेप, सीजर और कोई भी स्केच पेन या मार्कर, और अगर परमानेंट मार्कर है तो और भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम इस पेंसिल बॉक्स के लिए स्टिकर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्टिकर बुक का वेस्ट पेपर। तो सबसे पहले हमें जितना चाहिए उतना इसे कट कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इस पर परमानेंट मार्कर से जो भी हमें लिखना है, नेम, क्लास, वो सब इस पर लिख लेंगे। और लिखने के बाद इसके पीछे का स्टिकर निकाल कर हम इसे इस पेंसिल बॉक्स पर स्टिक कर देंगे। और स्टिक करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट टेप लेकर इसके ऊपर हम इस टेप को लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से पूरे स्टिकर को आपको टेप से कवर करना है। तो इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से बना हुआ हमारा वाटरप्रूफ लेबल तैयार है। उसके बाद टिफिन के लिए हम ये जो पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था उससे बनाएंगे। तो मैंने इसे इस टिफ़िन के साइज़ का कट कर लिया है, और इस पर अब हम लिखेंगे नेम और क्लास नेम। और लिखने के बाद इसे ड्राई होने देंगे, और ड्राई होने के बाद इसे ट्रांसपेरेंट टेप से हम टिफिन पर लगा लेंगे। और इस तरह से दो ट्रांसपेरेंट टेप लगाकर मैंने इसे पूरा पैक कर दिया है। अब आप इस टिफ़िन को साल भर रोज़ भी वॉश करोगे तो भी ये स्टिकर वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी तरह से मैंने इस बॉटल के लिए भी लेबल बनाया है। तो वाटरप्रूफ लेबल बनाने का ये सिंपल तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए।